गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह मोहित देखो स्कूल जाने के लिए रेडी है, नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि लंच लेके नहीं जाते ना स्कूल को, तो इसलिए इनके लिए एक एक पराठे बनाने ज़रूरी है, तो क्योंकि फिर पूरे दिन स्कूल में भूखे रहेंगे। पता नहीं लंच लेके ही नहीं जाते हैं, तो एक पराठा सिंपल और दूध पी के जाते हैं ये। गाइस मौसम देखो, ठंड आ गई गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और मैं चैनल में अपना मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ गाइस। इसमें टू माय यूट्यूब चैनल, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल और मुझे कहीं जाना है, तो मैंने राजमे की सब्जी बना दी है और मैं रोटी बना के रख के बच्चों के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 12 बज रहे, 2 बजे बच्चे आ जाएंगे। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं सब्जी तो मैंने बना ली, और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। नहा ली और मैंने बाल धो लिए, पूजा वूजा कर ली, और देखो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी सब्जी उबल रही है, खदक रही है मतलब, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। राजमा बन चुके हैं, इसको इसमें तड़का लगा रही हूँ। तड़का आज मैंने ना, देखो आज मैंने क्या करा, देखो आज मैंने तड़के के लिए क्या करा, ये तड़का है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको जब ये उबल जाएगा, तड़का मतलब मिक्स हो जाएगा, हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, फिर सब्जी रेडी है, फिर मैं रोटी बना लूँगी। पता है क्या बताऊँ, अब मौसम इतना चेंज हो गया है ना, ठंडी होगी बहुत ज़्यादा, तो बच्चे रोज़ लड़ते हैं कि स्कूल के कपड़े स्कूल की ठंड के कपड़े निकाल दो। तो मैं बोल रही हूँ भैया अभी रुक जाओ, दिवाली पे निकाल दूँगी, दिवाली के बाद, क्योंकि जब भी सफाई चल रही है, सफाई चलेगी तो मैं बैग खोलूँगी तो निकाल दूँगी। और बच्चे आज सुबह सुबह इतनी ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमें अभी कपड़े निकालो, हमारे हम सर्दियों के कपड़े पहन जाएंगे। बस एक घंटे की सर्दी की वजह से पूरे दिन फिर वो गर्मी में मरेंगे। सुबह की ठंड है लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ठंडी रहेगी। हाँ वैसे ठंड तो हो चुकी है, मेरी गलती है ना, मैं निकाल नहीं रही। वैसे देखती हूँ मैं निकाल दूँगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा ना, तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। अंशु को काट लो तो देख, क्या काट तो बेटा ढंग से, फिर वापस भी होना पड़ा है कुछ वैसी चीज हुई तो। वैसे थोड़ी फाड़ है मैंने, तो गाइस कुछ पार्सल आया, हमें पता नहीं है इसमें क्या है, तो चेक करते हैं। उंगली निकाला नीचे तक, तो गाइस अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, और क्योंकि थक गई मैं सुबह से काम कर करके। बेटा ये रियल इफेक्ट है, हम जैसे हैं ऐसे दिखा रहा है ये नहीं। तो गाइस आपको पता है कि मैं रियल कैमरे से वीडियो बनाने लगी हूँ, तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहा है, तो ये इसको नहीं पता है क्या बोल रहा है, तो मैं इसके शब्दों को के लिए माफी चाहूंगी कि इसने ऐसे बोला, ठीक है। तो चलिए मैं सो लेती हूँ थोड़ी देर, ये 4 बजे ट्यूशन जाएंगे, अभी 3 बजे है, तो 3 बजे से 4 बजे तक मैं सो जाऊंगी। और देखो भूमि आ गई, ये मुझे सोने भी नहीं देगी अब बिल्कुल भी, फिर कपड़े तक नहीं बदले हैं। देखो गाइस ये आ गई, गाइस ये आके बैठ गई यहाँ पे, गाइस इसने है ना हमारी जिंदगी सोन, अब मेरा सोने का टाइम है, जो तू आके बैठ गई। ओ मैं बड़ा आर तोरी आर तो मेर देवी माई आर तो काहे को दिवला काहे की बाती सरसों को तेल बड़े सा सारी रात यू, क्या मेरी देवी उड़ेगी, क्या मेरी देवी पहरेगी, शालू ओढ़ेगी मिसरू पहरेगी, सोने को शीश गुदावेगी, अब ओटा नीचे बैठेगी, दूध को बेला पीवेगी, गोद भतीज खिलावेगी, नौन्य और तिमिर देवी के सोले कनागत पितरों के, आओ पंडा पाठ करो भैया भतीजे राज करो, ऐ उरी ऐ उ मेरी देवी मोंगे गेहूं, तमे दीस पुती जो थर बेटा होएंगी सो, थर बहू आएंगी 30, तमे देंगी 80।
तो गाइस हमने खाना खा लिया, मेरी राखी सफाई करते करते बेहाल हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। कैसे लग रहा है तुझे सफाई करके राखी? बहुत अच्छा। वो भी कुछ कहना चाहोगे? क्यों बोल दे तू भी कुछ। और गाइस ये मैं हूँ, तो मैं भी खा के आई हूँ आज। तैने का एक सब्जी खाई राखी? तो गाइस हमने आज चाप की सब्जी होटल से मंगाई है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे बच्चे हैं ना थोड़े से ज़्यादा चटपटे हो रहे, तो हमने भी सोची कि चलो हम भी खा ही लेते हैं एक आध रोटी। देखो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भूमि ने ना जैकेट निकाली है, और मैं भूमि की जैकेट दिखाती हूँ। भूमि कैसे मुंह ढके लेटी पड़ी है, देखो भूमि ठंड होगी, ठंड भूमि को ठंड लग रही है। गाइस देखो कैसे ठंड लग रही है इसको, इसने अपने सारे कपड़े निकाल लिए ठंड के, और मैंने अभी तक निकालना। कल छुट्टी है वैसे बच्चों की, 5 दिन की छुट्टी है गाइस। तो कल गाइस 5 दिन की छुट्टी दे दी बच्चों की, दशहरा के बाद तक की भी, रामनवमी मौमी, मतलब बहुत सारे त्यौहार है ना, तो छुट्टी दे दी। तो मैं कल बच्चों पे ड्रेस व्रेस निकलवाऊँगी, सर्दियों के कपड़े निकालेंगे तो फिर हम भी पहन लेंगे अपने शॉल वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम बहुत ठंड लगती है गाइस, है ना। तो किस किस के कपड़े निकड़ गए कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस राखी देखो, राखी चश्मे लगा के कितनी हीरोइन लग रही है। ओ गैली हटा दी, अच्छी लग रही है। बेइज्जती कौन करेगा तेरी? जब बेइज्जती करेगा सिर फोड़ दूंगी वहां को। हाँ दुनिया को कौम है चिड़ने को, बात बनाने को। और गाइस मेघा कौन गई? ओ इंगे कोई है मेघा? गाइस ये रही मेघा, और मेघा को देखो गाइस, मेघा है ना जा रही चेंज करने, क्योंकि अभी सोएगी, इसने ड्रेस पहनी, आर तो करने गई है। और गाइस पीछे हमारी देवी जी बैठी है, वो बैठी हमारी देवी, हमने देवी को कपड़े पहरा दिए पहले से नहीं, मतलब जब हमने तैयार करी जब पहरा है। गाइस देखो पीछे बाजड़ फैली पड़ी है, पेंट तो दाढ़ी दे देना एक दिन की, मैं पेंट कर दूँ इसको, दाढ़ी देंगे गाइस एक दिन की। ओए पिटकी मेघा तू कर दिया लो काम, देख 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 गाइस इसने पेंट खराब कर दिया, मतलब पेंट होएगा। देखो गाइस पेंट खराब कर दिया, ऐसे पेंट खराब करते है गाइस, ये मेघा क्या बनेगी, मतलब देखो ये पेंटर ही बन रहा है इसको जी। इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो शौक है गाइस। हमारे घर चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, देखना हमने कितना अच्छा वाइट वाइट लग रहा है, वाइट वाइट। और गाइस यहाँ पे अंशु और मैं लेट रहे हैं, ये मेरा बेटा है, एक दिन का छोटा एक दिन का छोटा बेटा है। अच्छा तुम्हारी वो दिखाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते क्या क्या, कुआ पूजन की एल्बम, कुआ पूजन, अच्छा इनकी कुआ पूजन की, हाँ। गाइस मैं आपको कुआ पूजन की एल्बम दिखाऊंगी कल या परसों, अगर मुझे याद आ गई तो। यूवी की यार तो कंबल ओढ़ दो, यहां दो यार की कुआ पूजन खा रही है। यूवी की नहीं, मोहित अंशुर की। अच्छा हाँ मोहित अंशुर। गाइस देखो अभी ये लत्ता चेंज कर, लत्ता गाइस ये कपड़े चेंज करने जा रही थी पर ये गई नहीं है, क्यों नहीं जा रही? तो गाइस देखो हमने घड़ी लगा दी, कितना टाइम हो रहा है घड़ी में देख लो गाइस, 9:45 हो रहे हैं यार। मम्मी इसको वहीं लगाओ, हम बाथरूम में से नहाते नहाते इसको, तो गाइस इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस दीवार पे, इस दीवार पे इसलिए लगाए हमारे मिस्त्री ने कीड़ी उखाड़ दी, दिखती भी नहाते नहाते। अच्छी मेरे को दिखती है तो यहाँ तो दिख जाएगी, बाथरूम पे लगा रहे ना घड़ी, हाइट में दीवार अड़ा है हमसे, मार ले तो। ओ क्या लड़ाई आज रही है, 150 वो तो 2,500 को लेकर आई। अच्छा मम्मा लाई है, फिर तो 500 पर मम्मी महंगे ले आती है ना, आंटी को भी पता है तो। अरे तेरे को पागल होना दिया इसने, भाई मैं सच बता ना, इसको पहले बहुत पागल बनाया ना, ये पागल बनने वाली है। अच्छा अब की नहीं बोल रहा हूँ, पहले की कह रहा हूँ। गाइस हमारे घर में ना आवाज गूंज रही है, थोड़ी सी सफाई की वजह से आवाज गूंज रही है, और आज मुझे ऐसे लग रही है नाक ठप हो रही है, फिल्टर जॉम हो रही है।
गर्मी में ना पहनने का, गर्मी में ठंडी गर्मी लगती है, इसमें ठंड में ठंड लगती है, इसमें मैं पहनूं कभी से मॉनसून। एक जैकेट होनी चाहिए अब तो, नहीं क्यों होनी चाहिए एक जैकेट होनी चाहिए तो को लाऊंगी। गाइस इस पे इतने कपड़े हैं पर ये पहनती नहीं है, जिसको भी अच्छी-अच्छी दुकान मॉल का मतलब मॉल मम्मी उन्हें मॉल बोलती है। मॉल का मतलब क्या होता है? सॉल। मेगा तू जा रही है चेंज करने? मॉल का मतलब सॉल होता है। तू चेंज करने जा रही है या ना जा रही? तो गाइस चेंज करने जा रही है। बस पेट में दर्द हो रहा था, चेंज रख रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? हमसे क्या काम है? अरे तुम्हारा क्या नाम है? क्या काम है? तो गाइस ये हम भी लेटे हुए हैं और आज हम जल्दी सो जाएंगे। तेरा टीवी आज बंद करूंगी, छोड़ूंगी। अपनी आ रही है तो सबकी ले ली। तू कपड़े क्यों नहीं बदल के आ रही? जा मैं करवा दूंगी आंटी, कल पढ़ते हैं। सिर्फ कल क्या ही सफाई करोगे? तो गाइस हम कल साते रखेंगे, हम कल साते का व्रत रखेंगे और परसों हमारे फास्ट खुल जाएंगे। परसों आठे का रखेंगे, परसों आठे है, उसके बाद नौवे है, फिर उसके बाद दबवे है। नौमी होता है नावे, रामनवमी होता है राम नावे कह रहा है नौवी को, फिर दावे गार। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।